सारा कलाकार के जलन भी भइल, बहुत सारा कलाकार सपोर्ट भी कइले, एमे कितना सच्चाई बा? हाँ, मन के बात नहीं के जाना, अंदर के केहू नहीं के जाना। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ले चमचागिरी केहू ना करो, जब ले यहाँ तेल केहू के ना लगाओ, काम ना मिलेगा, इसमें कितना सच्चाई बा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईवी विजेंदर सिंह और फैन हमारे को प्रोग्राम सीधी बात नो बकवास में अमित शुक्ला भैया बनी हमारे संगे। प्रणाम नमस्कार सबके। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज विलेन कलाकार और मल्टी कलाकार यहाँ के है अमित भैया। पहला सवाल कौन एने उन्ने वाला? बिल्कुल, अमित शुक्ला है कौन? अमित शुक्ला वैसे तो सिर्फ अमित शुक्ला हूँ, लेकिन चला, मुझे अमित शुक्ला पहचान दिलाई हमारे दर्शकों ने, तो हमने क्या के जो दर्शक के प्यार मिलल तो उसे दुनिया के लोग भी जाने लागल अमित शुक्ला ना, तो ऐसे तो रिलेटिव आ सर्टिफिकेट नेम ही रहे अमित शुक्ला। अमित शुक्ला कहल जला कि अमित शुक्ला जब से अले अपन एगो अलग ट्रेंड सेट करे के कोशिश कैले भोजपुरी इंडस्ट्री में, ओमे बहुत सारा कलाकार के जलन भी भइल, बहुत सारा कलाकार सपोर्ट भी कैले, एमे कितना सच्चाई बा? हमरा ऐसा फील ना भइल जलन वाला, हम सच्चाई बता कि हमरा फील ना भइल। बहुत कई लोग बोलल भी कि और कई लोग शुरू के इंटरव्यू में ये भी बोलल कि आपके आने से ये, और सेम सवाल विनीत आइलन तो विनीत से भी सेम सवाल। हाँ, कई लोग कई, लेकिन ना हम हमरा दिमाग में ये बात आयल कि केहू के जलन भइल, जबकि देखल जाए तो जितने सीनियर्स बालो वो लोग के बड़ा सपोर्ट मिलल हमरा। शुरू में पहला फिल्म जब हम करत रहनी तो इवन संजय भैया की तरफ से भी, अधीश भैया की तरफ से भी, सुशील भैया की तरफ से भी सजेशन आए कि ऐसे तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और हमें तुमसे मतलब लगाव है, तो इस तरह से चलना, कई इंडस्ट्री के कई रूल्स होते हैं तो ऐसे चलना ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, तो उन्होंने अच्छा सजेशन ही दिया। देखा जाए अमित शुक्ला जी मन, हाँ, मन की बातें नहीं जानता, मन की बात नहीं के जाना, अंदर के केहू नहीं के जाना। अमित शुक्ला जी शुरुआत में हिंदी से रौरा एंट्री कई नहीं, ओकरा बाद सलमान खान के भी साथ रेडी फिल्म में शायद काम ना, किक में भी काम करी, हॉलीवुड के भी कई, फिर भोजपुरी में काहे काम कई? भोजपुरी अपन भाषा है और हमरा बड़ा पहला शुरुआत ही, अगर इतना बढ़िया शानदार मिले केहू के तो हम का अमिताभ बच्चन भी ना ठुक रही हूँ। क्या कि अमिताभ बच्चन जी भी जो हम सबके आदर्श हैं वो भी भोजपुरी किए हैं, और उनको भी ऑफर मिला था मनोज भैया के साथ, मनोज तिवारी जी के साथ फिल्म किए थे, और उसके बाद दिनेश जी के साथ फिल्म किए थे, रवि जी के साथ किए थे, रवि भैया के साथ, तो हमरो ऑफर मिलल। अब इतने से अंदाजा लगाओ ना विजेंदर की, मतलब हम तक खुद के, मतलब हमरा के लोगों को हाला हम खुद भी महसूस कही नहीं कि कुलभूषण जी वाला स्टाइल हो गया। कुलभूषण जी कि मतलब जैसे कुलभूषण जी के जब एज ए मेन विलन शान में एंट्री भई रहे तब बैकग्राउंड देखा उनकर का रहे कि वो नए विलन थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले कौन? फिल्म शान, कास्टिंग सारे सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, रमेश सिप्पी साहब, शोले जैसी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म के डायरेक्टर, मतलब सब कुछ बड़ा सेटअप, और उसमें एक नए विलन की एंट्री थी, तो हमरो सेटअप वही तरह है। सबसे दिग्गज पुराने प्रोड्यूसर, कई लोगों को स्टार बनाने में मदद करने, मतलब वो करने वाले आलोक भैया प्रोड्यूसर, टॉप प्रोड्यूसर, टॉप डायरेक्टर विशाल वर्मा, सबसे बड़े मतलब सुपर स्टार दिनेश लाल यादव, उस समय तो बहुत बड़े, बहुत बड़े, और आज भी है, लेकिन उस समय तो क्या था, बिग गोल्डन पीरियड, और उनके बीच में एक नया विलन आता है, ठीक है, तो हमरा तो ये महसूस हुआ कि शान वाला कुलभूषण जी वाला रिपीट तो नहीं के होता। के मना कर सका था हमरा जगह क्यों रही था? चले अमित भैया एगो खरा खरा सीधा सीधा बात, हाँ। लोग कहे लगी भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ले चमचागिरी केहू ना करो, जब ले यहाँ तेल केहू के ना लगाओ, काम ना मिलेगा, इसमें कितना सच्चाई बा? अगर ये बात पे जाए तो खाली भोजपुरी, अगर कहीं बा भी अगर इस सब चीज तो इस खाली भोजपुरी में नहीं है, हम टीवी में भी महसूस करे बनी, बॉलीवुड में भी बा, हर जगह, हाँ हर जगह बा, यहाँ तक कि संजू बाबा से लेकर अजय, तो सबने इनडायरेक्टली या कई लोगों ने इंटरव्यू में या कुछ टॉक शो में या कॉमेडी टाइप के जो रियलिटी शो होला वह में ये लोग बोल रहे भाई बात, मतलब इनडायरेक्टली
कि चम्मच चम्मच जैसे सब तो करे वाला हर जगह करे चमचा आगे बढ़े की टैलेंट वाला आगे लगत नहीं की चमचा ही करके कुछ टैलेंट दबता लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अपना मतलब टैलेंट से और अपना डिग्निटी से काम पहला में होला एगो जन आत्मविश्वास जागे लागू और मतलब हम इतना कहें कि चमचाई से ही कई लोग काम करना हम इतना ही कह सकत क्या कि हम इतना ऑब्जर्व नहीं की कहले तो जानते बड़ा हमारा स्वभाव की शूटिंग और शूटिंग के बाद सीधे होटल के रूम अपना रूम में पड़ा रहनी हमारा घूमऊ के ज्यादा शौक ना लेकिन जन अगर अगर पाई देवे चम्मच से कहीं काम निकले तो निकाल ना कहीं काम कोई करतो हुई लेकिन वो आदमी के अंदर आत्मविश्वास कबो नहीं आ सका कॉन्फिडेंस कबो नहीं आ सका वो हमेशा इनसिक्योरिटी फील करेगा। चलिए पर्सनल लाइफ में रहूर बात करते हैं रहूर पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट लोग कहे लगी बहुत डिफिकल्ट हुआ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं अमित शुक्ला जी और परिवार में रहना पसंद नहीं करते हमें शुक्ला जी नहीं, में क्या चीज बा हमरा ना एक्चुअली दिल से बोलूं तो मैं जुड़ना बहुत जल्दी चाहता हूं हाँ। मैं जुड़ने के लिए कोई भी वो करता हूं लोग जुड़े सब लोग के साथ में घुला मिला रहा हूं सब कुछ ही बट मेरे अंदर माइनस पॉइंट कह सका चाहे प्लस पॉइंट कह सका तरह की हमारा ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा हाँ हमारा मतलब अब तो ना लेकिन शुरू में हमरा हल्का सा बात लग जाए बात लाग जा बच से ना वो तो हम देखले बानी अपनी कहता अब बात लगला से रौदा नुकसान भी भइल हां नुकसान भी बहुत भइल बा शुरू में भी चाहे टीवी हो के बॉलीवुड हो के चाहे अपन भोजपुरी हो के कहीं भी भइल बा बहुत नुकसान होले बानी लेकिन तबो हमार स्वभाव ना चेंज भइल बहुत खुद के चेंज करे क्वेश्चन थोड़ा का कहल जाला ओकरा के आर्टिफिशियल बने के कोशिश कइनी लेकिन आर्टिफिशियल बनावटी हमरा से कोशिश करे नी ऐसा ना हम कोशिश करने की तनी बनावटी कर लेकिन ना हो पावेला हेलो कैसे हैं आप लेकिन हमरा से हो ना के दांत चियरल ना हो ना कोशिश ट्राई कइले बानी अमित शुक्ला जी लोग कहेला अमित भैया कि लंदन आइला के बाद आदमी भोजपुरी में बोलता है ई करता है भोजपुरी बोले में प्राउड फील होला कि ऐसे बहुत प्राउड फील होला तारा के हम एक बात बता दी कि जब हम स्पेनिश फिल्मों करते रहनी हॉलीवुड वाला तो वहाँ हम भोजपुरी अगर सिखाई चाहे बोली नू चाहे यही देखो तुम्हें अंग्रेज लोग को भोजपुरी सिखाओ तरह तो वो लोग देखो कितना प्राउडली तरह के लेता हाँ। अच्छा हमने के हमनी के अंदर बसल बा कि ना ना भोजपुरी फ्लाइट में बैठल जाई तो भोजपुरी में बतियाल जाई तो बगल वाला का सोचे जब अपनी भाषा है तेलुगु वाले बैठते हैं या तमिल वाले बैठते हैं जो या ब्रिटिश बैठते हैं या जर्मन कोई बैठेगा तो अपनी भाषा में बात करते हैं प्राउडली और वो लोग करते हैं बात हमनी के भोजपुरी जब काले रौरे सिखावत रहनी भोजपुरी जब तो कितना अच्छा सीखे के कोशिश करत रहे भोजपुरी वो लोग के क्या कहे के चाहतनी जे भोजपुरी के बिहार के ही होके भोजपुरी के ही होके आ भोजपुरी के आगे बढ़ावे के और बोले के ना कोशिश करे तो ये तो बहुत बड़ा अथी बा ये बात पर हम कितना बार गुस्सा चुकल बानी अभी भइल एक मिनट पहले कि मतलब अपने लोग अपने पैर घींचता है हां ये लकीर बड़ी करनी चाहिए अगर हम नहीं के भोजपुरी मिटावे के कोशिश थोड़े बोली लकीर तू खिंचले बड़ा कोनो लकीर मान ल तू यूट्यूबर हो कोनो लकीर खिंचले बड़ा तो जितना मेहनत तहार लकीर मिटावे में हम करें उससे कमे मेहनतों में तारा से बड़ा लकीर अगर कोशिश करी तो खींचा सकता लेकिन यहाँ लकीर मिटावे के जो कोई अगर कोई लोग कोशिश करते हैं ना तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि लकीर मिटाइए नहीं अगर मान लो विजेंद्र के एग्जांपल देते हैं तो विजेंद्र से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए सिंपल आए दिन जन भोजपुरी वही मेहनत वहाँ कीजिए आए दिन जन भोजपुरी में लफड़ा होता झगड़ा होता और ये के बात होने के बात होने हो रहा है जेनरिक नेचर जेनरिक नेचर क्या बात है एक लाइन में मेरा खत्म कर देने का हमने के बिहारी यूपी के लोग बुरा ना है जा वो हमने के नेचर लेकिन हमने कहे के आदत है लेने के बात होने का है पेट और का कहल जाए पेटवा फूले लागला हमने के सुपरस्टार लोग मान ले हमने के सुपरस्टार लोग हां एल्बम के लख लोग फिल्म के लख लोग फैन से एल्बम में आ गइल लोग तो रौरा ये इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री मानेम कि एल्बम इंडस्ट्री मानेम ना दोनों अलग अलग बात
हम तो ये फील करे बनी फिल्म अलग बा, एल्बम के गाना अलग बा, एल्बम हमनी के लोग सुनल पसंद करेला। आ एक और कारण है एल्बम के ज्यादा बढ़ावा भइला के एगो कारण बा कि हमनी के यहाँ के लोग शुरू से चाहे हमनी के लइका में फिल्म देखत रहन जा तो हमनी के संगीत प्रेमी बड़ा हो जा। बिहार यूपी के लोग देखल हो ना संगीत प्रेमी बहुत म्यूजिकल आदमी है सन। आप बिहार के लोग ना अगर अगर ग्लैमर भी देखे चाहे ला तो छुप छुपावल ग्लैमर खुलियाम ज्यादा ना ना ज्यादा खुलियाम ना तो वो करते एल्बम के वर्चस्व बहुत ज्यादा बा। लेकिन फिल्म एक अलग विधा हाँ फिल्म एक अलग इतिहास रच जाता चाहे कोनो फिल्म चलती आते आते जाते जाते हमने के लास्ट अब इंटरव्यू चल रहा बा हाँ। चलते चलते नया आवे वाला लड़का सन के जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे के चाहता सन ओकरा के रौरा का संदेश देवे के चाहे और रौरा लोग से का सीख सन। हम अगर कोई गाना के द्वारा आवता हम तो ऑनेस्टली ये बोले कि जे लोग के देखले बड़ा कि गाना से हिट होके फिर फिल्म में आके हीरो बन गए लोग स्टार बनल लोग लेकिन ई नहीं देखले कि वो लोग गाना से हिट होके तो आई लेकिन ओकरा बाद यहाँ आके चाहे दिनेश जी के ले लो चाहे क्यों के कितना मेहनत कइलो कितना मेहनत कइलो बॉडी से लेके एक्टिंग स्किल से लेके हर चीज पे वो लोग वर्क किए हैं बकायदा डांस सीखे हैं ये किए हैं ट्रेनिंग लिए हैं और मैं अभी भी मेहनत करते हुए देखते हैं हम लोग। तो वैसा करो आप लोग अगर गाने के द्वारा आ रहे हो सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ गाना हिट हो गया तो आ गए तो बस आता कुछ भी एक्टिंग करेंगे या कुछ भी चल जाएंगे नहीं नहीं यहाँ और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जिस विधा में आप जा रहे हैं उस विधा के हिसाब से आपको मेहनत करनी है तभी वो लोग आगे बढ़े हैं। और अगर कोई सिर्फ एज एन एक्टर मतलब गाना वाना नहीं हिट हुआ या किसी और चीज से फेमस नहीं हुआ डायरेक्ट एज एन एक्टर ही बनने आ रहे हैं तो थिएटर कीजिए आप प्रॉपर उसके लिए तैयारी कीजिए मेहनत कीजिए अगर लंबी लाइफ चलनी है तो हाँ ना तो नहीं तो 2 दिन के चमक और 2 दिन के चिंगम चबा के फेंके वाला टाइप हो जाए। हाँ तो अच्छा से काम करी लोगी चलते चलते पब्लिक के रौरा का कहे हमारा बारे में कुछ कहे के चाहता नहीं तो शुरू से जहिया से मतलब हमनी के मुलाकात भइल पहले दिन एगो कॉमेडी वीडियो बनोनी जा उनके चैनल पर पंडित जी वाला बड़ा वायरल हो रहा। अच्छा इतना फिल्म रोड़ा कोई नहीं जब हमरा संगे कॉमेडी कोई नहीं तो का भइल तो बड़ा नेचुरल का कि तू ठेठ हो गनु ठेठ दे आती ठेठ दे आती हो जहां जाला अपन रंग छोड़ दे अपन रंग लंदन में हमने के बिहार वाला हमरा कोनो फर्क ना पड़े चली ऐसा ही हंसत रही मुस्कुरात रही। कैसन लागल इंटरव्यू जरूर बताएं कोनो क्वेश्चन होई अगर तो कमेंट में बताएं वो क्वेश्चन के अगला इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल तो हंसत रही मुस्कुरात रही फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर दी यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दी। जय हिंद जय भोजपुरी एक बार बोली जय भोजपुरी जय भोजपुरी जय भोजपुरी जय बिहार जय हिंद।